दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं कामिनी, इसमें गलती मिश्री की थी, तुम तो माफी मांग रही हो बेटा। दादी जी, ये उसकी गलती नहीं थी, ये तो उसकी नफरत थी जो वो मुझसे करती। पर मेरा गुस्सा कभी वो अर्जुन पर निकालती थी, कभी घंटी पर, लेकिन आज आप सब पर। ये सब मेरे वजह से हो रहा है दादी जी। मैं आप सबको कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर ये सब मेरे वजह से हो रहा है। मान ही नहीं सकती कि मिश्री खाने में ऐसा कुछ मिला सकती है। मान तो हम भी नहीं सकते, हमें तो नहीं लगता कि हम में से किसी को मिश्री परेशान करेगी। ए प्रताप, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब लोग मिश्री गलत मान रहे और गलत मिश्री के साथ हो रहा? तो फिकर मत कर कामिनी, उस मिश्री का तो दिमाग खराब हो गया है। तो दिमाग ठीक कर दो ना अम्मा, आपको थोड़ी कौन रोक सकता है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग मिश्री से पूछ ले, अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो उसकी मदद कर सकते हैं। ये तो सही। ये लीजिए गर्मा गर्म पूड़िया। आपको भी चाहिए? जरूर जरूर, ये लीजिए। अर्जुन, घंटी और अश्विन के साथ पार्क किया, इन्हें तो मैं ऐसे संभालूंगी। तो वेट किस बात का है दोस्तों, तमाशा शुरू किया जाए। जय भवानी। जय भवानी। सुनिए, आप लोग अंदर कैसे दिन? जय भवानी। कौन है आप लोग और अंदर कैसे चले जाएंगे आप? वो खींच लाया पूरा साया। एक पूरा साया है जो इस घर के एक सदस्य को काबू कर चुका है। देखिए, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। अब तुम सब घर वालों का सर्वनाश होने वाला है। भला करे, हम सब में से तो एक ही है जो हम सबका बैंड बजाने पर तुली हुई है। सो दो, पास कीजिए। जी जी, उस साये ने किसे काबू कर रखा है? तुझे और किसे, जो पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसा मूर्खतापूर्ण सवाल कर रही है। और कौन? अपने परिवार के बारे में सोचना मूर्खता नहीं है जी जी। सोचना ना, पर सोचना और पागलपन दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब आपके हिसाब से हम जो मंदिर में दिया जलाते हैं वो भी पागलपन है? ए, अरे कहू ना, को एक तराजू पे तौल रही हो। वो धरती बनाने वाली और ये जैसन धरती पर पहुँच वो हिम्मत देती है, और ये जैसन का धंधा जो है वो भय के बल पर चल रहा है। वो श्रद्धा है, ये ढोंग, वो आत्मविश्वास की मूर्त है, और ये अंधविश्वास का नमूना है। रहने दीजिए जी जी, अंधविश्वास और ढोंग को रहने दीजिए, हमारी तो बाप को हर बात काटनी होती। अच्छा, हम बड़े हैं कि तू बड़ी है? बड़ी आप है। क्या कर रही है आप? मिश्री कौन है? औसी परिवार की बहू है मिश्री। ये पूरे साये के निशाने पे वो ही है। लाओ उसे। यशोदा, मिश्री को लेके आ। यशोदा, रुको एक मिनट। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस पाखंडी की बातें सुन रही, इसे तो बाहर फेंक देना चाहिए। बस कर। अरे अगर पाखंडी होते तो इन्होंने
मिश्री का ही नाम क्यों लिया, हमारा नाम क्यों नहीं लिया? इस घर में जो भी कुछ हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन अब आप इस घर में हम कोई और अनर्थ होने नहीं देंगे, इसलिए ये जो कहेंगे अब बस इस घर में वही होगा। कहाँ है मिश्री? मिश्री को लाओ। मिश्री का कमरा वहाँ ऊपर है। चामुंडाय नमः। ओम जयम प्रेम चामुंडाय नमः। ओम जयम प्रेम चामुंडाय नमः। काले के जालों में छोड़ो मिश्री। मां देखिए ना कैसे खींच के ला रहे हो लोग। बस बुड्ढी क्या कर रही है, होश में हो? मां बड़े दादा ये सब क्या हो रहा है, इन्हें बोलिए ना हमें छोड़ने के लिए। छोड़ो पहले अर्जुन पर घंटी, और परसों तो हम सारे मुश्किलों से बचे हैं ना, और ये सब हम इसे सताने के लिए नहीं कर रहे, अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे। माफ करिए दादी, आप प्लीज इन्हें कुछ बोलो ना, सब क्या हो रहा है? चामुंडाय नमः। जैसे ही ये मिर्च इस लड़की की आंखों में जाएगा, पूरे साए से ये जलन सहन नहीं होगा, और वो इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा। पर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे ढोंगी औरत, तू कुछ करे उससे पहले ही हम ये पाउडर तेरी ही आंखों में डाल देंगे। सबके हड्डियों से बना जहरीला पाउडर मैं लाल मिर्च में मिक्स करूंगी, और वो तुम्हारी आंखों में डालूंगी मिश्री। अब पूरे साय का तो पता नहीं, पर तुम्हारी आत्मा जरूर तुम्हारा शरीर छोड़ेगी। मिश्री इसमें तो तुम्हारी भलाई है ना, है ना दादी? कामिनी बिल्कुल सही कह रही, एक बार ये इसका इलाज कर दे फिर सब सही हो जाएगा।